हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी थ्रू रूट वर्ड्स, राइट। जो हमारी ये सीरीज चल रही है तो उसमें आज का जो हमारा क्या है, आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है बेसिकली दैट इज ग्री। तो आपको ये पहले भी बात बता चुका हूँ कि ये प्रफिक्स, सफिक्स और अफिक्स बन के रूट लिखी जा सकती है। तो ग्री एक रूट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट रूट है ये। इस रूट के ऊपर वन वर्ड भी बन जाते हैं, वोकैबुलरी के वर्ड्स भी बन जाते हैं। इस रूट के दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। तो किसको रेफर करता है? ग्रुप को, गैदरिंग को बताता है, ठीक है। जब भी ग्री आएगा तो ग्रुप होगा या तो गैदरिंग होगा। तो इसके रिलेटेड यहां पे देखो, यहां पे ग्री हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है, यहां पे थोड़ा आगे चला गया और यहां कंप्लीटली अफिक्स बन के आ रहा है। तो मतलब ग्री रूट यहां पे इन तीन वर्ड्स के अंदर ग्री रूट आ रहा है, स्टार्टिंग में, मिडल में और थोड़ा सा आगे भी आ रहा है, राइट। तो प्रीफिक्स, सफिक्स और अफिक्स बन के रूट आ सकती है। तो क्योंकि हमें पता है कि ग्री का मतलब ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो ग्रीगेरियस मतलब स्टूडेंट्स ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे सर्टेन एनिमल्स भी होते हैं, कुछ दोज देर आर सर्टेन एनिमल्स ऑल्सो हु आर ग्रीगेरियस, मतलब वो नेचर उनका ग्रीगेरियस होता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे शीप होती है, भेड़, वो हमेशा ग्रुप में चरती है, ठीक है। आपने हिरन देखे होंगे, हिरन हमेशा ग्रुप्स में चरते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग भी होते हैं जिनको थोड़ा कंपनी में रहना पसंद आता है, ठीक है, कंपनी में रहना जो पसंद करते हैं, ठीक है। तो ग्रीगेरियस में और वर्ड अगर हम जोड़ें तो लिख सकते हैं आपको अफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, राइट। तो अफेबल बोल लो, एमिएबल बोल लो, एमिकेबल बोल लो, राइट। ये सारे बंदे होते हैं जिनको ये भी बोल सकते हो आप, फॉन्ड ऑफ कंपनी, फॉन्ड ऑफ कंपनी, कंपनी में रहने का शौकीन, राइट स्टूडेंट्स, फॉन्ड ऑफ कंपनी बोला जाता है। तो उसको बोलते हैं फॉन्ड ऑफ कंपनी, ग्रीगेरियस, जो बंदा हमेशा कंपनी में रहना जिसको अच्छा लगता है। तो अफेबल, एमी रूट भी ध्यान रखना, एमी रूट भी फ्रेंडली को ही बताती है। जब भी किसी वर्ड में एमी आता है सो इट ऑल्सो मीन्स फ्रेंडली। सेकेंड वर्ड देखते हैं, वो रहा है एग्रीजियस, एग्रीजियस। अब क्या होता है कि जब ग्री रूट से पहले हमने एक वर्ड देखा है, यहां पे ई लिख रहा है। अब जैसे एक वर्ड इंपोर्ट होता है और एक वर्ड आपका एक्सपोर्ट भी होता है, राइट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट तो आपको पता है आयात करना, एक्सपोर्ट क्या होता है, निर्यात करना। तो जब भी किसी वर्ड के शुरुआत में जैसे ई लग जाता है तो ये मतलब हमें देता है रूट वर्ड्स के आधार पे आउट का, बाहर, बाहर निकाल देना, जैसे इंपोर्ट करना, निर्यात करना होता है। तो क्योंकि यहां पे ई लग गया है, एग्रीजियस के पहले ई आ रहा है, तो इसका मतलब है ग्रुप से बाहर कर देना। सपोज हुण तुहाडे मान लो 5-10 न्याणे दा एक फ्रेंड्स दा एक ग्रुप है, तो उहदे च एक बंदा इदां दा भी है, उहदी जिहड़ी व्यूज है ना उह तुहाडे नाल मैच ही नहीं हुंदे, मतलब तुसीं उहदे व्यूज नूं पसंद ही नहीं करदे, या तुहानूं उहदे व्यूज मैच ही नहीं हुंदे तुहाडे नाल, सारिआं नाल किसी एक बंदे दा, तो तुसीं उस बंदे नूं ग्रुप तों आउट करता, ठीक है। पॉजिटिव वे च आउट करना हुंदा है, नैगेटिव च तां नैगेटिव हुंदा है, ध्यान रखिओ, पॉजिटिव नहीं हुंदा है ये वर्ड, मतलब ग्रुप तों तुसीं आउट कीता किसी बंदे नूं नैगेटिव वे च, ठीक है जी। उन्हें एग्रीजियस कहते हैं, नैगेटिव वे तुसी उन्हें ग्रुप से बाहर कटता, क्योंकि ये बंदे जो है एक्सट्रीमली हेटफुल होंगे, बिकॉज दीज पीपल आर एक्सट्रीमली हेटफुल, एक्सट्रीमली शॉकिंग, ठीक है। तो इन्हों कोई लव नहीं करता, मतलब हेट करते हैं सारे इन्हों, तो ही इन्होंने ग्रुप तो बाहर कटता। मतलब तीजा देखो, कॉन्ग्रीगेशन, बढ़िया वर्ड है जी, कॉन्ग्रीगेशन च बचाले इत्थे ग्री रूट आंदी पई है, तो इहदा मतलब भी उही हुंदा, कॉन्ग्रीगेशन मतलब समूह नूं ही दसदा है, ग्री आ गया, ग्रुप इत्थे भी आ गया, इत्थे भी ग्रुप बन गया, इत्थे भी साडा ग्रुप बन गया, तो ग्रुप नाल तां रिलेट हुंदे आ। हुण कॉन्ग्रीगेशन उहदी जिहड़ी धार्मिक भीड़ हुंदी है, जिदां तुसीं सत्संग वगैरह सुनने जांदे हो संडे नूं, ठीक है, तां उत्थे उत्थे जाके तुसीं देखिआ कि मतलब कोई सत्संग चल रहा, तो सत्संग आप गुरुद्वारे जाते हैं जी, मंदिर जाते हैं, उत्थे भीड़ होंगी है, मान लो वह गुरुद्वारे जी भीड़ लगी है मत्था टेकन वास्ते, उन्होंने आप कॉन्ग्रीगेशन बोलूंगे। इहदा मतलब होंगे एक्चुअल च रिलीजियस भीड़ होंगी है, धार्मिक भीड़ नूं कहिंदे कॉन्ग्रीगेशन। तो तुसीं इहदा मतलब लिख लो, हुंदा मतलब इहदा ग्रुप ही है, क्राउड ही है, बट किहड़ा क्राउड हुंदा है, रिलीजियस,
What does mean religious? Religious group. Next, fifth, sixth. Agree. हुण इत्थे agree आ गया, हुण इत्थे भी agree आ गया. So aggregation, aggregation. मतलब agree इत्थे भी आया तो ये भी group नूं refer करूगा, ये भी group नूं refer करेगा. Aggregation. जिदा तुसीं कहंदे कि हाँ यार first year, second year, final year दा तुहाडा की aggregate बणिया, है ना, टोटल एग्रीगेट की रहा तुहाडा बीटेक दा या ग्रेजुएशन दा. ठीक है, तो एग्रीगेशन हुंदा एग्रीगेट तो ही बनता है. एग्रीगेट हुंदा द सम टोटल ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप दा जितना टोटल हुंदा. तो तुसीं लिख लो द सम टोटल ऑफ अ ग्रुप, उन्हें कहते बेसिकली एग्रीगेशन. हुण इत्थे आ गया सैग्रीगेशन. सैग्रीगेशन की होएगा, सैग्रीगेशन होंदा किसी चीज नूं सैपरेट कर देना. ठीक है, जेड़ा आपां मतलब सैपरेट करके एक छोटे छोटे समूह च आपां ग्रुप च उन्हां नूं डिवाइड कर देंदे. तो सैग्रीगेशन सैपरेट सेंस च हुंदा है, तो एग्रीगेशन कट्ठी सेंस च हुंदा है, किसी चीज नूं जोड़ना ते उन्हूं उहदा एक टोटल बना देना ग्रुप च. ठीक है जी, सैग्रीगेशन हुंदा डिवाइड इन टू स्मॉल ग्रुप्स. इट मीनस डिवाइड इन टू स्मॉल ग्रुप्स, राइट स्टूडेंट्स. तो ये एक छोटी जी रूट तुहानू कराई जी ग्री. इहदे उत्ते आपां अज कीता एग्रीगेशन, आपां कीता सैग्रीगेशन. ठीक है, तो पहली स्लाइड च आपां कीता बेसिकली ये नए वर्ड तुहानू तीन वर्ड होर देते थे. अफेबल हो गया, एमीएबल हो गया, एमिकेबल हो गया, ग्रीगेरियस हो गया. तो थोड़ा थोड़ा ही करो. एक दिन च 10 वर्ड का भी टारगेट लेके चलूंगे रूट वर्ड्स के थ्रू, तो तुहाडा परपज क्लीयर हो जाएगा. तो ग्री रूट के उत्ते देखो जेडे भी वर्ड कराए, ट्राई टू रिवाइज दीज वर्ड्स. ठीक है, अगली क्लास आप करेंगे फिर एक होर नई रूट. ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन च. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू.